तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चिल प्रिंट टेक। तो आप देख सकते हैं ऐसा वॉलपेपर मूविंग आप बहुत कुछ लगा सकते हैं अपने मोबाइल पे, और ऐसे भी कुछ सेटिंग्स है ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज होगा। तो ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली से 4D पैरालैक्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स जो है मिल जाएंगे। तो आप खुद के भी वॉलपेपर बना सकते हो 3D, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। और 3D वॉलपेपर खुद के आप अगर आपके स्क्रीन पर लगाना है तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आप देख सकते हैं ये वाला भी बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सा वॉलपेपर ऐप नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं मोबाइल रोटेट करूंगा तो ये भी अंदर मूव होगा। तो आप खुद के भी ऐसे बना सकते हैं। और लॉक स्क्रीन में जैसे ही ओपन करूंगा आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज होगी, और उसके नीचे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो अगर आपके पास रियलमी मोबाइल है तो आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन एंड मैगजीन पर जाना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे लॉक स्क्रीन मैगजीन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पर मैंने इसे इनेबल कर दिया है, तो मेरे जो लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर है वो दिखाई देंगे। और मोबाइल डाटा पे आप अपडेट भी कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आपके ऑटोमेटिक जो है वॉलपेपर नए नए आते रहेंगे। तो अगर आपके पास ये रियलमी मोबाइल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो आप इस ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस ऐप की मदद से आप जो है अपने लाइव वॉलपेपर अपने लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हो। और कल बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है, यूट्यूब से पैसे बैंक में कैसे आते हैं, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो कल का वीडियो जरूर देखना। तो ऐसे वीडियोस हम रेगुलर हमारे चैनल पर डाल रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।